होशियार सिंह ठकुरेला भाजपा मंडलाध्यक्ष गोंडा की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली गोवर्धन पूजा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन कमल न्यूज, मैं आपके साथ बहादुर चौधरी। हम आए हुए हैं विकासखंड गोंडा के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी से होशियार सिंह, उनके आवास पर। और आप सभी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से कि अध्यक्ष जी अपने क्षेत्र की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपको हम उनसे रूबरू कराएंगे। अध्यक्ष जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है और मैं आपसे चाहूंगा हमारे आप मंडल अध्यक्ष हैं गोंडा के, तो आप अपनी जनता के बारे में और अपनी कार्यकर्ता के बारे में क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद जी आपके चैनल के लिए। मैं अपनी क्षेत्रीय जनता जो भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं, सदस्यता भी की है 2 महीने से, बहुत सदस्यता का कार्य कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देते हुए हमारी धनतेरस पे और दीपावली पे, छोटी दीपावली भैया देव सभी के लिए शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। और शीर्ष नेतृत्व से हमारे मोदी जी, योगी जी और प्रदेश पे हमारे भूपिंदर जी और हमारे जिलाध्यक्ष लाला प्रधान जी, दर हमारे सतीश कुमार गौतम जी, विधायक जी, हमारे क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता सभी के लिए बार बार बधाइयां, धन्यवाद। भाजपा कार्य ऐसा चल रहा है और चलता रहे कि सनातन की वो ऊंचाइयां पहुंच जाए कि हम सदैव पीढ़ियों तक, सैकड़ों पीढ़ियों तक लगातार सनातनी बने, आगे भी बने रहे, पहले तो बने ही चले आए। हमारे जो बुजुर्गों ने तपस्या की है वो तपस्या हमारी लगातार बनी रहे। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग खुश रहे, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अध्यक्ष जी आप बोल रहे थे अभी कि आपने सदस्यता ग्रहण कराई है बीजेपी की, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक मेरा क्वेश्चन है कि जो सदस्यता आप ग्रहण करा रहे हो बीजेपी के लोगों को, ऐसा सदस्यता अभी तक किसी सरकार ने नहीं कराई, इसका मेन उद्देश्य क्या है सदस्यता ग्रहण कराने का? हमारी भाजपा की सदस्यता का अर्थ होता है कि हमारा कितना अस्तित्व है और हम कितने कितने लोगों से, हमसे लोग आकर्षित हैं, हम किन किन से मिलते हैं और सनातन को कितने लोग मानते हैं। जो लोग सनातन को मानते हैं वही भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मानते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी केवल यही सनातन के लिए काम करती है, इसलिए मैं भी और या मेरे जो अनुयायी, मेरे पारिवारिक हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को सनातन की वजह से मानते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टियां कभी सनातन को नहीं मानती हैं। इसलिए हम सनातन की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे और हम इसी के साथ साथ देश में, विश्व में मोदी जी के साथ अपना परचम लहराते रहे। एक दिन वो आ जाएगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सनातन का झंडा पूरे विश्व में फहरेगा और हम सब सनातनी, सनातन धर्म को सबसे, जिस रूप में पहले से विश्व गुरु के रूप में मानते आए हैं, एक दिन विश्व गुरु सनातन की वजह से हम विश्व गुरु भारत की ओर से बनेंगे। में दूसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा, आप सदस्यता के बारे में आपने बताया था, आपने अभी तक अपने थ्रू कितने सदस्य बनाए? मैंने अपने थ्रू 2155 सदस्य बनाए हैं जो मेरे निजी पर आते हैं, और मैंने 20,000 प्लस में अपने मंडल से बनाए हैं जो सभी का योगदान रहा है इसमें। और हमारे अगर जिले की बात करें तो हमारा जिला भी यहाँ ठीक अवस्था में, तहसील भी ठीक अवस्था में, उनकी गिनती लगातार बढ़ रही है, इसलिए फिक्स नहीं है। परंतु हमारा अलीगढ़ जिला करीब करीब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे यूपी में प्रथम स्थान पर भी जा सकता है। अभी उसकी पूरा सिस्टम में लिखित में आया नहीं है, क्योंकि कुछ ऑफलाइन भी बने, ऑफलाइन आ जाएंगे तो अलीगढ़ का सबसे पहला नंबर आएगा, मुझे ये उम्मीद है। और कार्य भी कर रहे हैं हम। सक्रिय सदस्यता एक और होती है जिसमें मैं अपने मंडल से 100 सक्रिय सदस्य बनाऊंगा, जिसमें डोनेशन होता है 100 रुपए का, और हम अपने रूबरू तरीका पे, विशेष तरीका पे सक्रिय सदस्य बनते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में 100 सदस्य बनाता है वो सक्रिय सदस्य बनता है। धन्यवाद। देखिए अध्यक्ष जी ने बताया सदस्यों के बारे में कि सदस्यता का मतलब क्या है। सदस्यता का मतलब ये है कि जो हिंदू सनातन धर्म है, बीजेपी हिंदू सनातन धर्म की एक पार्टी है, आरएसएस से जुड़ी हुई है,
तो ये हिंदू सनातन धर्म से जुड़ने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए ये सदस्यता का अभियान चल रहा है। नमस्कार।